The second thing. दूसरी चीज. I don't have time now. So the second thing Joseph told his sons to take to Egypt was money. और हम देखते दूसरी बात जो याकूब ने अपने बेटों से कहा था कि वापस वहां लेके जाए वो था पैसा. Joseph put the money back. हम देखते यूसुफ ने पैसा वापस लौटाया था. Now he says, don't take this money only. The earlier money also you take it and give it to Joseph. और फिर वो कहता है कि अब सिर्फ यही पैसा मत लेके जाओ जो तुमको मिला था, मगर अपने साथ यहाँ के पैसे भी लेके जाओ और जाकर यूसुफ को देना. Say everyone, double money. सभी लोग कहें दुगुना पैसा. Money, how you listen. सुनिए. How you handle money will reflect a great thing about your character. और कैसे आप पैसे को संभालते और पैसे के साथ सौदा करते हैं, ये आपके चरित्र को दिखाएगा बड़े तौर पे. Are you a person who makes decisions just like that? जो दिखता है वो बिकता है, चल स्वाइप कर कार्ड. क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह से आप बर्ताव करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है? चांगले दिखते हैं, काई कवर है, अच्छा दिख रहा है, बड़ा अच्छा कवर भी है, स्वाइप कर. You're an impulsive buyer. You just blow money. आप बस यही पैसे उड़ाते हैं. It shows about your character. ये आपके चरित्र के बारे में दिखाती है. How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? And then we are praying to God, God. और फिर आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर. Pastor, debt deliverance साड़ी प्रार्थना ठेवा या संडेला. कर्जे से छुटकारे के लिए उसे प्रार्थना रखें इस रविवार को. People listen to me. और सुनिए. How you have handled money? और कैसे आप पैसा संभालते हैं, निपटते हैं? I don't want to talk about other things in church. How you handle money? कैसे आप पैसे को संभालते हैं? How you handle money? कैसे आप पैसे के साथ? People are watching you. लोग आप पर निगरानी करते हैं. People are watching you. लोग आपको देखते हैं. How you handle your money? कैसे आप अपना पैसा संभालते हैं? There was a preacher. एक प्रचारक थे. He went to one country. एक देश में वो गए. They called him to do a big crusade. और वहाँ पर को बुलाया गया था एक बड़े महासभा को संबोधित करने के लिए. And due to some reason. और कुछ वजह से. The organizers could not come at the airport. और उनके आयोजक हवाई अड्डे पर नहीं आ सके लेने को. So they send him a good car. तो एक अच्छी कार उन्होंने भेजा. It was a taxi service. और टैक्सी सर्विस की बात थी. And the car reached over there. और कार वहां पहुंची. And he stepped out of the airport. और एयरपोर्ट से बाहर आए. And he saw his hoarding over there. और उन्होंने अपना होर्डिंग देखा वहां. And he said, wow. और वो कहने लगे, अरे बहुत बढ़िया. Wow, my hoardings are everywhere. हर जगह मेरी होर्डिंग लगी हुई है. He started walking nicely. और वो अच्छे से चलने लगे. Come on now. अगर आपका होर्डिंग सब जगह देखेगा तो थोड़ा सा अंदर आएगा ना कुछ भी. Hey, listen. And he sat in the taxi. और फिर उसके बाद वो टैक्सी में बैठे. And the taxi drove him to his hotel. और टैक्सी उनको उनके होटल की ओर ले गई. Everywhere there were hoardings. हर जगह होर्डिंग लगे हुए थे. The man of God was feeling so happy. और परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी अपने अंदर खुशी महसूस करने लगा. I'm famous. मैं मशहूर हो गया हूँ. I'm famous. मैं मशहूर हो गया हूँ. And the taxi driver stopped near the hotel. और फिर टैक्सी ड्राइवर ने उस होटल के नजदीक उस कार को रुकाया. And said, sir. और उनसे कहने लगे, श्रीमान जी. And he says, wait, I'll give you your money. और उन्होंने कहा, रुको, मैं तुम्हारे पैसे. And the taxi driver. और टैक्सी ड्राइवर. Gave the money back. उन्होंने पैसे वापस लौटाए. And in that money. और उस पैसे में. He gave him $100 extra. $100 ज़्यादा उन्होंने लौटाए. The preacher took the money in his hand. और उस प्रचारक ने पैसे को अपने हाथ में लिए. The first thought went into his mind. पहले विचार उसके दिमाग में आया. This taxi driver has cheated many people. और इस टैक्सी ड्राइवर ने बहुत सारे लोगों को लूटा है. God is teaching him a lesson. That's why $100 come extra to me. और परमेश्वर आज इसको सबक सिखा रहा है अच्छे से, इसलिए सीधा $100 इसका निकल के मेरे पास आया है. बहुत सारे लोगों को लूटा रहेगा, आज प्रभु इसको लूट रहा है. Second thought came. दूसरा विचार आया. The wealth of the wicked is being transferred to the righteous. दुष्ट की संपत्ति जो है वो धर्मी के लिए रखी जाती है, वो मुझे भेजी जा रही है. Suddenly said, no. अचानक वो कहने लगा, नहीं. $100. उसने कहा, ये लो तुम्हारे $100. You gave me extra. तुमने ज़्यादा मुझे लौटाया. And the taxi driver with his broken teeth smiled at him. और उस टैक्सी ड्राइवर ने जिसकी दांत टूटे हुए थे, उसकी वो देख के मुस्कुराने लगा. He says, aren't you the preacher on the billboard? और वो ऐसा कहने लगे, तुम ही वो प्रचारक हो ना जो बिलबोर्ड पे लगा हुआ चेहरा दिखा रहा है. Yes, I am. वो कहने लगे, हाँ, मैं हूँ. He said, I wanted to come for your meeting. और उन्होंने ऐसा ड्राइवर ने ऐसा कहा कि मैं आपकी सभा में आना चाहता था. But I wanted to check. मगर पहले मैं जांचना चाहता था whether you really live what you preach. कि जो तुम प्रचार करते, क्या तुम सच में उसमें जीते हो या नहीं. Now I know. अब मुझे पता चल गया है. By the way you handle your money. जिस तरीके से तुम पैसे का इस्तेमाल करते हो. Tomorrow, pastor. कल पासवान जी. You can see me at your service and after the service I'll drop you free. और कल तुम मुझे अपनी सभा में पाओगे और मैं सभा में आपको बिल्कुल मैं मुफ्त में लेके जाऊंगा. The preacher got out of the cab. और फिर वो प्रचारक जी उतरे उस. He held the nearest pole. और वहां पर एक बड़े खंबे को पकड़ लिया उन्होंने. And say, oh God. और उन्होंने कहा, परमेश्वर. I nearly sold your son for $100. और तकरीबन मैंने $100 में आपके बेटे को ही बेच दिया था. Judas sold him for 30. I sold him for 100. यहूदा ने 30 सिक्के में बेचा था, मैंने 100 में बेच दिया होता. My friend. ये दोस्तों. How much have you sold him for? आपने कितने में बेचा है उसको?
This place is so silent. अब इस जगह पे बहुत ही खामोशी छा गई है. Today, आज, how you handle your money? कैसे आप अपने पैसे को संभालते हैं? Shows. ये दिखाता है. Something about the Jesus you carry in your heart. कुछ तो उस यीशु के बारे में जिसको आप अपने दिल में लिए चलते हैं. Do you support your church? क्या आप अपनी कलीसिया में योगदान करते हैं? Support your pastors. अपने पासबान जी को सहयोग करें, योगदान करें. Do you support your family? क्या आप अपने परिवार में योगदान करते हैं? Support your family. अपने परिवार को योगदान करें. The way you handle your money. जिस तरीके से आप अपने पैसों को संभालते इस्तेमाल करते हैं. It shows your character. ये आपके चरित्र को दिखाती है. How many of you receiving this? Say hallelujah. कितने लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं? बोले हालेलुया. Today lift your hands and say, Lord, give me the wisdom to handle my finances. आज अपने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, प्रभु मुझे बुद्धि दे मेरे पैसों को संभालने और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए. And the last one. और आखिरी. He said, take your brother. और उसने उन्होंने ऐसा कहा कि अपने भाई को लेके जाओ अपने साथ में. Yes. You see? आप देखते हैं. Walking with one another is important. एक दूसरे के साथ चलना बहुत ही मायने रखती है. अकेले ministry कोई भी कर सकता है. अकेले में सेवकाई कोई भी कर सकता है. You see some girls, you see when they get married, that's only when the problem starts. He says, मैं अकेली थी तो कितना अच्छा था, अभी मुसीबत शुरू हो गई. आप देखते कुछ लड़कियों को जब वो परिवार में, जब उनकी शादी हो जाती तब समस्या खड़ी हो जाती है. वो कहने लगती जब मैं अकेली थी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. कोई लड़के भी ऐसे बोलते हैं, पहला कितनी चांगलो होता मजा आता ही आली. कुछ लड़के लोग भी ऐसा कहते हैं, पहले तो कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था. Sisters, actually it is not the problem. They only learned to walk alone. But you see, when you come together, it reveals your character. और देखिए समस्या ये है कि उन्होंने बस अकेले ही चलने को सीखा. मतलब जब आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, साथ में आते हैं, तो ये आपके चरित्र को दिखाती है. Listen, सुनिए. Today, people in the corporate world. और आज सांसारिक जगत में. They want to see how you function as a team. और वो देखना चाहते हैं कि एक टीम में किस तरह से आप काम करते हैं. How many listening right now? और कितने सुन रहे हैं? But it's only in church that we find people don't want to work together as a team. मगर हम सिर्फ कलीसिया में ही पाते हैं कि लोग एक टीम के जैसा काम करना पसंद नहीं करते. They don't like to submit to one another. और वो एक दूसरे के अधीन में होना पसंद नहीं करते. They don't like to say, okay, man, I'm sorry. और वो ये कहना पसंद ही नहीं करते कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं. How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बोला. Really? सच में? Why did he speak to you about this? How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? He said, take your brother along with you. Do you know this brother was none other than Benjamin, the same mother's son. और उसने कहा कि अपने भाई को भी अपने साथ लेके जाओ. ये भाई कोई और नहीं, बिन्यामिन था, जो उसी के मां से आया था. He was Rachel's son, Joseph's own brother. Somewhere he knew that these fellows must have killed my brother. You see, the doubt was there, but still he walked with them. Somebody say hallelujah. हम देखते हैं वो राहेल का बेटा था और उसको ये पता था कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्होंने मेरे भाई को फंसा के मारा था, मगर फिर भी वो उनके साथ गया. My friends, मेरे दोस्तों, no one is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं है. Today, आज, our churches are divided. और हमारी कलीसियां बस बटी हुई हैं. Today, आज, can you say yes, Lord? क्या आप कहेंगे हाँ प्रभु? I'm going to walk with my people. मैं अपने लोगों के साथ चलूंगा. I'm going to walk with them. मैं उनके साथ चलूंगा. I'm going to stick with them. मैं उनके साथ चिपका रहूंगा. And let's do the work for Jesus. और चलिए हम यीशु के लिए काम करेंगे. When God sees these things, और जब परमेश्वर चीजों को देखेगा, He will pour out His Spirit on you. और वो अपनी आत्मा को आप पर उंडेल देगा. When He sees you handling the finances properly, जब वो देखेगा कि आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, He will say, Gabriel, come on, pour some more prosperity anointing upon that person. Somebody say, "Hallelujah!" Hey, Gabriel, यहाँ आओ. उस व्यक्ति पर और ज़्यादा समृद्धि का अभिषेक उंडेल दो. ले लो, ले लो. Are you with me? क्या साथ में हैं? My friends, मेरे दोस्तों, this is a message today. ये है संदेश आज का. The Bible says, Bible कहती है, when you turn to Him, जब उसकी ओर तुम मुड़ते हो, He will pour out His Spirit on you. तब वो अपनी आत्मा आप पर उंडेल देगा. रूह की बारिश. रूह की बारिश. Are you with me? क्या साथ में हैं? The message of Pentecost is very simple. पेंटिकॉस्ट का संदेश बड़ा सरल है. The first word is repent. पहला जो शब्द है वो है पश्चाताप करो. Turn. मुड़ जाओ. Turn. मुड़ जाओ. When you turn, जब आप मुड़ते हैं, the rule will come, the anointing will come. उसके बाद आत्मा आ जाएगा, अभिषेक आप पर आ जाएगा. Friends, दोस्तों, you know, I come from a very poor family. मैं गरीब परिवार से आया हूँ. My father worked in a garage. मेरे पिताजी ने गैरेज में काम किया. Very simple man. बड़ा सीधे साधे व्यक्ति. I don't have anything to boast about. और डिंग मारने, घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. My father was not a pastor. और मेरे पिताजी पासबान नहीं. We lived in a very small house. और एक छोटे से घर में हमने जीवन जिया है. But God never left us. मगर परमेश्वर ने कभी हमको छोड़ा नहीं. Today I want to encourage everyone. आज मैं आज सभी लोगों को उत्साहित करता हूँ. You know, even for clothes we used to
take, somebody is to give us the clothes. और यहाँ तक कि हमें जो कपड़ा पहनना पड़ता है उसके लिए भी हमें दूसरे की ओर देखना पड़ता था. I want to encourage everyone sitting over here. यहाँ बैठे हर एक लोगों को मैं हौसला देना चाहता हूँ. One day, एक दिन, God will use you mightily. परमेश्वर सामर्थ्य तौर पे आपका इस्तेमाल करेगा. Today is preparation day. आज तैयारी का दिन है. Thousands and thousands of rupees will come in your hand. हजारों हजारों रुपए आपके हाथों में आएंगे. Are you ready for that? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? Sometimes, कभी कभी, if you are not ready, आप तैयार अगर नहीं होते हैं, the blessing can become a burden. तो आशीष जो है बोझ बन सकती है. आशीष बोझ बन सकती है. आशीष बोझ बन सकती है. आशीष बोझ बन सकती है. क्योंकि उस आशीष को संभालने के लिए वो बुनियाद नहीं है. आशीष बोझ बन सकती है. योर ब्रेक थ्रू कैन बिकम अ ब्रेक डाउन. और आपका आशीर्वाद आपके पतन का कारण बन सकता है. हाउ मेनी लिसनिंग राइट नाउ, कितना सुन रहे हैं इस वक्त? चर्च कलीसिया, टुडे यू आर क्राइंग, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ये कर वो कर, बट गॉड इज पुटिंग हिज फिंगर ऑन दिस थ्री एरियाज एंड सेइंग माय सन माय डॉटर I am ready. Are you? आप परमेश्वर से रोते प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर. परमेश्वर अपनी उंगली उन तीन क्षेत्रों पर रख के कहता है कि मेरे बेटे मैं तैयार हूं, मगर क्या तू तैयार है? Are you ready today? क्या आज आप तैयार हैं? Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु. I'm going to pray for one minute right now. एक मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे. एक मिनट रुक जाइए. सुनिए सर, many years ago, कई साल पहले, I was in Uncle DJ's Dinakaran service. मैं अंकल DJ's Dinakaran जी की सभा में गया था. I love that man of God. परमेश्वर के जन को मैं बहुत ही प्रेम करता था. करता अभी हूँ. करता हूँ अभी भी. I love him. बहुत प्रेम करता हूँ. Listen to me. सुनिए. I was in a service like this. इसी तरीके की सभा में मैं था. I was at the right at the back. और एकदम पीछे कोने में मैं बैठा था. I said Holy Spirit. और मैंने कहा पवित्र आत्मा. Come and touch me. आकर मुझे छू ले. और कोई कोई लोग है ना कैसा प्रार्थना कर रहे थे मालूम है? मैं बताता हूं आपको. Hallelujah. Hallelujah. स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, तभी प्रोजेक्टर लगाते थे मालूम है ना, पसंद प्रोजेक्टर लगाते थे. नया नया आया था. खुदा ने क्या कहा मालूम है? बेटा सब कुछ भूल कर मुझे चेहरे को ढूंढ सकता है क्या? मैं यहां पर हूं. I'm here. And I said, yes, Lord. मैंने कहा हाँ प्रभु. I want to seek you. मैं आपकी खोज करना चाहता हूं. I want you, Lord. मैं आपको चाहता हूं प्रभु. I want you. मैं आपको चाहता हूं. And that day, और उस दिन, I went on my knees. मैं अपने घुटने पर आया. I cried. और मैं पुकार उठा. The Holy Spirit. मैंने कहा पवित्र आत्मा. Please touch my life. मेहरबानी करके मेरी जिंदगी छू ले. I'm a very ordinary man, oh God. मैं परमेश्वर का बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूँ. Please, if you can use me. अगर आप चाहें तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं. Please use me. अगर आप चाहें तो करें मेरा इस्तेमाल. I have done many mistakes, oh God. हे परमेश्वर मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं. I have lived in sin. पाप में मैंने जिंदगी जिया है. Please use me. मगर मेहरबानी करके मेरा इस्तेमाल. Change my life. मेरी जिंदगी बदल दे. That day. उस दिन the Holy Spirit came upon my life. पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी पर आया. The Holy Spirit came upon my life. पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी पर आया. Today I travel to many nations. आज कई राष्ट्रों में मैं सफर करता हूं. Today I travel. I preach on many television stations. और कई टेलीविजन स्टेशन पर मैं प्रचार भी करता हूं. Written many books. कई पुस्तकों को लिखा है मैंने. But I know one thing. मगर एक चीज मैं जानता हूं. That day. उस दिन I said yes to the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा को हां कहा. Tonight. आज की शाम. Is your night. ये आपकी शाम है. To say yes. हाँ कहने की. To the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को. Tonight. आज रात. Is a night to shed tears. ये रात है आंसू बहाने की रात. And something big is going to happen. और कुछ तो बड़ा होने जा रहा है. Something big is going to happen in your life. कुछ तो बड़ा होने जा रहा है इस वक्त. The Holy Spirit is going to take your hold of your life. पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को थाम लेगा. And he will use you. और वो आपका इस्तेमाल करेगा. For the glory of Jesus. यीशु की महिमा के लिए. Sisters.
sisters. I don't know, Ritu, Renu, something like this your names are. You are two sisters. The Lord's anointing is coming on you. In the name of Jesus. Pastor, this is Neetu and this is Pinky. The ones that you just spoke about. Yes. Just stand over here, ma'am. Just stand over here. Yes. Just stand over here. You know, there's a curse breaking over your life. In Jesus' name. आपके ऊपर से आपके ज़िंदगी पर से शाप टूट रहा है इस वक्त यीशु के नाम में. Hello. Thank you, Lord. Will you hold my hand? Don't worry. Out. In Jesus' name, Master. I don't know this woman. Out in Jesus' name. Right now, many people are receiving deliverance. इस वक्त बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिल रहा है. Many people are receiving deliverance. बहुत सारे छुटकारे को पा रहे हैं. Ouch! 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 Can you touch your stomach, please? There's an issue over there. There's an issue in your stomach, madam. आपके पेट में ऐसा कोई मामला है? Down, 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 down. Yes, yes, yes. Stand behind her. After maternity, you I have an issue with your this part because I see that the enemy has put some chains over that part. Please speak. और शत्रु ने कुछ जंजीर को उस हिस्से पे बांध के रखा. I get some pain every time. Not some pain. It's always you have a pain. हमेशा आपको दर्द होता रहता है. Yeah. That's true. You told me before the service, right? No. Come on. No. You wrote to me on Facebook. Yes, I go. No, to me. No. Thank you. Okay. Come. There's a curse breaking on your family today in the name of Jesus. आपके परिवार पर सांप शाप टूट रहा है. In Jesus' name, somebody shout an amen. वो चिल्लाए amen. Come. Wait. Keep your hand on your chest first. Put your hand. Oh, Spirit of the Lord. Prabhu ki atma. I don't want to speak anything. Lady. Suniye. Listen to me. Your relationships. Lady, listen to me. Suniye. Do you know? Hey, am I talking to you? Do you know your relationships are under severe attack from the enemy? Will you talk to me? Yes. You know, this one area of your life, listen to me. You have an issue with your relationships. As if none of your relationships ever is stable. Will you just shake your head or something? I came with a broken heart. Hey, Pastor. What do you think I'm putting? Because of the relationship. Wait. You came with a broken heart. Is your heart, can you see your heart? No. You have a big issue in your relationships because none of your relationships are stable. Your relationships are torn. You are a woman who's crying a cup of tea. So God of Pastor Michael is here. His name is Jesus. Hallelujah. But from today onwards, look at me lady, the Lord is going to lead you through a peaceful place. I see you covering, you know, like Ruth. You are going to come under a wing of peace. The Lord is healing you right now in Jesus' name. Hallelujah. Is she a real sister? Can I pray for you now? Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Father. I see one number. Like number dekh rahe hain. You know, you are called. I see you in the corporate industry. Yes. I see you in the corporate industry. I work in a corporate industry. Industry, that's right. You told me, right? Yeah, no. Come on, people, give Jesus a shout and say hallelujah. Marisa, kyu mohala hitaza. Radana kore mahadale kiri bahada. Zana mahadale. I know this sounds crazy. Do you know anybody in Canada? Thank you, Lord. No. Okay. Do you want to go to Canada? I
have a desire to travel overseas. Is your company related with some things in Canada? Yes. US and Canada. Yes. You're going to place to Canada in this very year, at the end of the year, in Jesus' name. Hallelujah. Come out in Jesus' name. Holy. Arise, you can have me. Holy. Thank you, Father. Thank you, Lord. Listen to me. Listen to me. From today onwards. आज से salvation is coming to your house in Jesus' name. उद्धार आपके घर में आ रहा है यीशु के नाम में. I do not know. Listen, I don't know anything about you. As if somebody turned on, like how I'm interpreting it, I'll show you. As if there's a light bulb and it's like, it goes on in your family. Your whole family is turning to the Lord because not all in your family are saved. You see, it's coming on. The salvation of God is coming in your family. In Jesus' name, will you speak? Holy. Talk to me. Pastor, I have a desire to serve the Lord. My heart. Hey, serve the Lord next time, okay? Sure. We will talk about this salvation part. Your family members, are they? I have been praying for my sister. I received her back, so I've been praying for their salvation. Listen, today is like light goes in your family. We'll be in church soon in Jesus' name. Go, hallelujah. There's a lady by the name of Vijaya. एक महिला यहाँ आई है. आपका नाम है विजया. Come fast. जल्दी आगे आइए. Vijaya, Vijaya, Vijaya. Vijaya, Vijaya, sumiye. Hey, talk to me fast. Oh, hello. Vijaya. Vijaya. Yes, the Lord is, I don't have time now. हमारे पास समय नहीं, सुनिए. The Lord is sorting an issue about your house. आपके घर के बारे में प्रभु किसी मामले को सुलझा रहा है. हो माझ्याकडे खूप म्हणजे अडचण आहेत. इतकं अडचण आहेत ना सांगायला नको. मुलं इतकं म्हणजे आजार ग्रस्तवादी आहेत आणि पोरांचं शिक्षण करत. घराबद्दल माझ्या खूप अडचण आहेत. म्हणजे दुकान आमचं, माझा नवरा रस्त्यावर बसून चप्पल शिवतो, त्याच्यावरच आमचं घर पाणी सगळं चालतं. सिस्टर सुनिए. सॉरी सॉरी नाही बोलत जातो. तुम्हाला प्रोफेसीची गरज नाही, तुम्ही विश्वासी आहे. हो आम्ही खूप विश्वासी शो मध्ये आलेलो आहेत आणि तेव्हापासून माझे सगळ्या मुलांचा आजार पण माझा आजार पण निघून गेलेले सर्व काही आणि त्या तेव्हापासून मला खूप काही मिळालंय. शी इज अ प्रीचर मॅन. प्रचारिका बन गई अभी. वेट. ठहरिए. लिसन लेडी. सुनिए ध्यान से. प्लीज लिसन. ध्यान से सुनिए. विजय आइक. ओके. From this day onwards, आज के दिन से सुनो, आज के दिन से, your whole family situation is changing today. आपका पूरे परिवार के जो हालात हैं, आज बदल रहे हैं. Because, क्योंकि, you have trusted in the Lord. आपने प्रभु पे भरोसा किया. I see you reading the Bible. और मैं देखता हूँ कि आप बाइबल पढ़ती हैं. Oh. Even when you carrying a baby in your womb. जब आपने बच्चे को अपने गर्भ में लिया था. In the nights, I saw you reading the Bible. रात के समय में, रात के दरमियान भी, भाई देख रहे हैं कि आप बाइबल पढ़ा करते थे. This lady, ये महिला, is a very poor lady. बहुत ही गरीब महिला हैं. Yes. I'll tell you. मी सुनिए. मी सांगतो. आता मी सांगतो. Okay? हे सगळं तू माइक वर नाही सांगणार आहे पण मी सांगतो. I want to show you. So much so. इतना ज़्यादा. That there is sometimes no food in this house. और कभी-कभी तो आपके घर में खाने के लिए खाना नहीं होता. Somebody shout hallelujah. Give Jesus a shout and say hallelujah. Pastor, the sister's name is Mahima from Pune. She had sinus issues since childhood, but last year she realized it due to reports, and she had pain. Do you have the reports on your phone, yeah, on your whatever? Yes, I do have it. Yeah, okay, get your phone. My media team needs to see the reports because you see the church, the outside people, they don't believe these things. बाहर के लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं. So in our church we say first and last.
So the reports then people believe that Jesus heals. तो हमारी कलीसिया पहले की हालत और बाद में की हालत बताते हैं ताकि बाहर के लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह चंगा करता है. So what did the report say? तो आपका रिपोर्ट क्या बताता है? They said that my left side of my cheek is full with sinus. Yes. It get blocked. Yes. And now when I was crying while I was praying, I didn't feel anything. I can feel that it's released. Somebody go give Jesus a shout. Go to your doctor. Go to your doctor. Get your report. Dance with your report in the church. And then everybody will know that Jesus is still the healer. God bless you. Next one. Pastor, this is Kavita from Pune. Since 3 o'clock, she had some acute pain in her spine. Yes. And as she prayed, the fire of the Holy Spirit touched her. Amen. And she can move now. Bless the Lord. Give Jesus a shout and say Amen. Amen.